तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। आज जो महंगाई के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली है, ये गहलोत सरकार के खिलाफ निकाली है। तो जो गहलोत सरकार है वो वादे तो खूब करती है, लेकिन वादे पूरा नहीं करती है। सरकार को, हमारी मोदी सरकार को दोषी ठहराती है कि वो महंगाई बढ़ा रही है, जबकि सरकार जो है गहलोत सरकार खुद सरकार महंगाई बढ़ा रही है। आपने देखा अभी पेट्रोल डीजल पे वेट जो है और जगह राजस्थान को छोड़ के सब जगह कम हो गया, लेकिन हमारी गहलोत जो है ऐसे इन्होंने वेट भी कम नहीं किया। और जो कोरोना काल में जो है मोदी जी ने जितना काम किया वो किसी और ने नहीं किया। और ये सरकार जो है गहलोत जी है ये खुद ही मतलब इल्ज़ाम लगाते रहे मोदी जी पे कि इन्होंने ये नहीं किया वो, जबकि कोरोना काल में पूरे टाइम वो घर में ही बैठे रहे, वो घर से बाहर नहीं निकले बिल्कुल। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर और जो वेंटिलेटर है मोदी सरकार ने भिजवाए, और उसके बाद भी इन्होंने कहा कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसी सरकार कोई काम की नहीं है, जो सरकार कुछ नहीं कर सकती, ऐसी सरकार बेकार है, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है और कुछ नहीं करती है, तो ऐसी सरकार को हम चाहते हैं कि पूरी जनता नकारे और ऐसी सरकार को सत्ता में दोबारा आने ही ना दे, यही मैं कहूँगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली रखी है, क्योंकि अभी दो दिन पहले कांग्रेस ने जिस तरह से महंगाई की रैली रखी थी, महंगाई हटाओ का दावा किया था, और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी ने ये महंगाई बढ़ाई है। लेकिन मैं सक्षम रूप से शॉर्ट फॉर्म में ये कहना चाहूँगा, अगर पेट्रोल की दामों में और डीजल के दामों में राजस्थान और दूसरे स्टेट में सब में बराबर हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो महंगाई बढ़ रही है, जब डीजल और पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन का दाम कम होगा तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ों का दाम कम होगा। इसलिए मैं कांग्रेस सरकार को कहना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी महंगाई करने वाले नरेंद्र भाई मोदी है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जो है वो महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनसे मैं कहूँगा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाए, और जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से महिलाएं कुछ सुरक्षित रख रखा था, लेकिन इन लोगों ने ये महिलाओं को रक्षा भी नहीं दे पा रहे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा तुरंत प्रभाव से अपनी सरकार से इस्तीफा दें और वापस से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अपना सरकार का गठन करेगी। आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आज यहाँ पर पूरे अजमेर की, अजमेर देहात और जिले शहर की सारे मोर्चे, सारे संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और ये सब लोग सरकार के विरोध में यहाँ पर आक्रोश रैली लेकर आए हैं। उस सरकार के विरोध में जिस सरकार ने 10 तक की गिनती गिनकर ये कहा था कि किसानों से वादा किया था कि हम आपका कर्जा माफ़ कर देंगे, युवाओं से वादा किया था कि हम आपको नौकरी देंगे, युवाओं को वादा किया था कि हम आपको रोजगार भत्ता देंगे, और आज की तारीख में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो 10 की गिनती उनकी पूरी नहीं हुई है। आज महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से हम महिलाओं पर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, अखबार भर रहे हैं, और जिसे हम कहते हैं शिक्षा का मंदिर, वहाँ तक भी बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हें वापस छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे सरकार के विरोध में यहाँ पर आक्रोश रैली हुई है। इस सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि आप नींद से जागे और जनता की सुध ले। जो कोरोना काल में जहाँ पर लोग भयानक बीमारी से जूझ रहे थे, वहाँ पर भी ये सरकार, इसके नुमाइंदे घर के अंदर बैठे हुए थे, आम जनता त्राही त्राही कर रही थी, और ये आराम से अपनी सत्ता बचाने के लिए होटलों में ऐशो आराम कर रहे थे। ये जन आक्रोश है किसानों का कि इस कांग्रेस की सरकार ने 3 बरस पहले कहा था कि आपका संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। ये आक्रोश उन नौजवानों का है जिनको कहा गया था कि आपको रोजगार भत्ता देंगे। ये आक्रोश उन महिलाओं का है जिनकी सुरक्षा इस सरकार कर नहीं सकी। ये आक्रोश उन नौजवानों का है जिनको रिट की भर्ती में घोटाले के कारण आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इसलिए इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का आम जन का मन है, और आज हजारों की संख्या में यहाँ गांव, गरीब, किसान, नौजवान आए हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से इस सरकार को जगाने के लिए कि आप समय रहते जाग जाओ, क्योंकि जिस प्रकार से बिजली के बिल इस सरकार ने बढ़ाए हैं, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार की योजनाओं के नाम इन्होंने चेंज किए, आज आम जन त्रस्त है। इस आक्रोश को लेके हम
माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस सरकार को जगाने आए हैं। डॉक्टर विकास चौधरी, भाजपा विधायक प्रत्याशी किशनगढ़। देखिए, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की तानाशाही सरकार है, पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसा स्टेट है राजस्थान जहां पर सबसे ज़्यादा महंगाई, इन्होंने टैक्स इतने ज़्यादा बढ़ा रखे, पेट्रोल और डीजल पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में बिक रहा है, उसके बावजूद भी पूरी केंद्र सरकार को कोसने के लिए जो अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने रैली करी है कि महंगाई हो रही है देश के अंदर, जबकि हमारे खुद के स्टेट के अंदर इनको दिख नहीं रहा है इतनी ज़्यादा महंगाई दर हो रही है। किसानों का कर्जा माफ़ करने के लिए कहा था, गिनती गिनाई थी राहुल गांधी ने, लेकिन आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इसके विरोध के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिला केंद्रों पर महंगाई के विरोध के अंदर रैली निकाली और अशोक गहलोत के खिलाफ हमने प्रण लिया है। ऊँट गाड़ी बैलगाड़ियों का हमने प्रयोग इसलिए किया है कि जो महंगाई हो रही है राजस्थान के अंदर, अभी भी पेट्रोल डीजल भाजपा शासित जो क्या स्टेट है उनसे महंगा अभी भी मिल रहा है, गहलोत सरकार के चेहरे पर रूंग नहीं रंग रही है, इसके खिलाफ हमने सिंबॉलिक प्रदर्शन किया है और ये जल्द से जल्द राजस्थान से गहलोत सरकार का सफाया होने वाला है। मोहित जैन, मीडिया प्रभारी, अजमेर।